जी तो व्यूअर्स, आज जो निहारी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैं गोश्त को इसके अंदर डाल दूंगी कुकर के अंदर, और इसके साथ ही मैं इसमें पानी डालूंगी, इससे डबल जितना गोश्त है इससे डबल, यानी तकरीबन ये 3 पाव गोश्त है तो 1.5 किलो आई मीन डबल कर लेंगे उसको पानी को, मुझे पाव भर साफ नहीं आता। और इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जब ये तकरीबन 80% पक जाएगा तो फिर हम इसको देखते हैं। गोश्त में अरोमा शामिल करने के लिए मैं इसमें दालचीनी, 2 लौंग और ये बड़ी इलायची और वो फूल का एक छोटा सा टुकड़ा अरोमा के लिए। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे लाइक किया, सपोर्ट किया और शेयर किया, कमेंट किया, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और प्लस मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ कि निहारी के लिए गोश्त तो मैंने गला लिया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है जी? तो देखते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैंने ऑयल इसके अंदर डाल लिया, तकरीबन 1/4 कप वो है ऑयल। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज जिसको हम बघारेंगे। प्याज के ब्राउन होने तक मैं वेट करूंगी, मसाले जो हैं वो किस तरीके से डालने हैं वो फिर मैं सब आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे मसाले बनाते हैं, ठीक है जी? मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स दूसरी तरफ मैंने गोश्त को गला लिया था, तो गोश्त हमारा गल चुका है और इसको भी हम देख लेंगे कि कितना गला है, कैसे गला है, इसको भी देख लेते हैं जी। ये गोश्त हमारा गल चुका है, 85% गल चुका है, ठीक है जी? फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं जी। तो व्यूअर्स ये मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, जो थोड़ा बहुत आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब हमने मसाले डालने हैं, ये रहा नमक और मिर्च, ये डाल दिया। इसके साथ ही हम ज़ीरा, रोस्टेड ज़ीरा और इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सूखा धनिया। और इसके साथ है जी ये मेरा ख़ास निहारी मसाला जो मैं घर पे बनाती हूँ, ये वो है। और इसके अलावा ये 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाल दिया, ये हो गया। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे क्योंकि इसकी भुनाई पे बहुत डिपेंड करता है, सारा काम ही इसकी भुनाई का है। बस अब मैं क्या करूँगी, मैंने मसाला भूनना शुरू कर दिया है, इसके साथ बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है और घी जो है ऊपर आना शुरू हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि बोटियां लेके वो डाल देंगे, बोटियां इसमें डालेंगे ये ऐसे, ये इसमें आ गई बोटियां। जी तो बस ये अब हम ना जो मैंने जिसमें गोश्त गलाया था ना वो वाली यखनी जो है वो इसके अंदर डाल देंगे ताकि निहारी जो है उसका टेस्ट बरकरार हो, ठीक है जी? ये देखिए इसको हम थोड़ी देर गलाएंगे ताकि ये जो है एक उसमें आ जाए, टेस्ट इसका डेवलप हो जाए बोटियों के साथ। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने ना आटा निकाल लिया, तकरीबन ये 5 टेबल स्पून है, ठीक है? और इसको मैं भिगो लूँगी ताकि कोई गुठली ना रह जाए, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसको मिक्स करके फिर मैं उसके अंदर डालूंगी, जो मैश किया हुआ आटा है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे
ये पकता जाएगा और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इंतहाई थोड़ा थोड़ा इसके अंदर गाढ़ापन आता जा रहा है। इसको पकने भी देंगे क्योंकि आटे की एक मिचैंद होती है जिसको हमें ख़त्म करना है। ये देखिए इसके अंदर ये सारा मैंने डाल दिया। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और भी डाल सकती हूँ। थिकनेस आपने अपने मर्जी के हिसाब से करनी होती है कि आपको कितनी थिक निहारी चाहिए। ठीक है जी, बस जी दो बस मज़ेदार निहारी पक के तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी बना दिया है, इधर लीमू, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैं सर्व करूंगी। अगर किसी को साथ में लेना हो तो वो ये भी ले सके। और इसके साथ हम नान सर्व करेंगे।